हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इट गुड। तो आज की रेसिपी है मूंग दाल नमकीन। सुबह या फिर शाम हमें चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता ही है, और ऐसा नमकीन का रेसिपी हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। इसे हम दुकान से ख़रीद कर खाते हैं, स्पेशली हल्दीराम्स का मूंग दाल नमकीन बहुत ही टेस्टी होता है, मगर इसे बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आप इसे घर पर बनाएं तो ये और भी मज़ेदार होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे घर पर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने मूंग दाल को भिगो कर रखा है 2 घंटे तक, और हमने 1 कप मूंग दाल लिया है। तो ऐसे ही हम इसे भिगो कर रखेंगे, और भिगो के रखने के बाद आप देखेंगे कि ये साइज़ में भी बहुत बढ़ गया है। यहाँ पर हमने नमक लिया है 1 टीस्पून। तो भिगो के रखने के बाद हम इसे ऐसे स्ट्रेनर में पानी को पूरी तरह से निकाल लेंगे। तो पानी को अच्छी तरह से निकाल लें इसमें से, और इसके बाद हम एक ऐसा किचन टॉवल लेंगे और इसके ऊपर सारे मूंग दालों को ऐसे फैला देंगे ताकि इसके अंदर जो भी एक्सेस पानी है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। तो इसे फैलाकर हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। तो देखिए इसे हम फ्राई करेंगे और देखिए कैसे सूख गया है। इसके बाद हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद हम उसी स्ट्रेनर को ड्राई कर लेंगे। उसके बाद ड्राई स्ट्रेनर को ऐसे ऑयल के अंदर डाल देंगे ताकि मूंग दाल जब हम फ्राई करें तो इसे निकालने के समय आसानी हो, वरना इसे निकालने के समय बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। छोटे छोटे दाने हैं, सबको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे और चलाते रहें, वरना ये जल जाएंगे। तो इसे 4-5 मिनट तक हम ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएगा तब इसमें से बहुत ही कुरकुरा सा एक साउंड भी आने लगेगा, तो आप समझ भी जाएंगे कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसे जला ना ले, हम इसे बिल्कुल इसका प्रॉपर गोल्डन कलर में ही रखेंगे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जल सकता है। जैसे ही ये फ्राई हो जाए हम इसे ऐसे ही देखिए कितनी आसानी से निकाल लेंगे। और इसे हम निकाल कर एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेंगे ताकि इसमें कोई भी एक्सेस ऑयल हो तो वो निकल जाए। तो देखिए कितनी आसानी से बन चुका है ये, और अब बस इसमें नमक मिलाना बाकी है। तो आप स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला सकते हैं, और फिर इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो इसे आप 1-2 महीने तक घर पे ऐसे ही रख के खा सकते हैं। अगर इसे ग्लास जार में रख दे तो ये और भी अच्छा रहेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर अपने फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी टेस्टी रेसिपीज पाने के लिए, और सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल बटन ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज़ जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।